नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका जॉब सही है प्लेटफॉर्म पे। देखिए, मैं ग्रेटर नोएडा केंद्रीय विद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट में हूँ और यहाँ से जो है वैकेंसी निकली हुई है पार्ट टाइम टीचर इंटरव्यू के लिए। अभी क्या सभी रेगुलर एग्ज़ाम्स तो ऑलमोस्ट ख़त्म होने ही वाले हैं, बट उसी के साथ साथ जो है KVS क्या कर रहा है, अपने कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड जॉब निकाल रहा है। तो आप जहाँ भी हैं उसके आसपास, आप जो भी स्कूल आपके KVS है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसे ही पहुंच जाइए, गूगल पे सर्च कर लीजिए केंद्रीय विद्यालय का। सपोज अगर आप केंद्रीय विद्यालय ग्रेटर नोएडा है तो गूगल पे सर्च करेंगे तो अनाउंसमेंट सेक्शन आएगा, वेबसाइट आएगी, देन अनाउंसमेंट सेक्शन पे जाके आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सभी जगह से वैकेंसियाँ निकल रही हैं। वैसे तो मैं वीडियो बना के आपको कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आप जो है आप खुद भी इसको खुद इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। तो अब ये देखिए, अभी ग्रेटर नोएडा से निकली हुई है, आप इसको जब ओपन करेंगे तो ये सारी चीज़ें ऐसे खुल के आएंगी। इंटरव्यू की जो डेट होगी वो है आपकी 9/3/2023, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। 8:30 बजे आपको पहुंचना है। जो पोस्ट यहाँ पे हैं आप पहले देख लेते हैं। PHT के लिए, THT के लिए, PRT के लिए, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, एक्सपर्ट कोच इन गेम्स, योगा टीचर, एक्सपर्ट इन आर्ट एंड क्राफ्ट, काउंसलर, डॉक्टर, नर्स, एक्टिविटी टीचर एंड स्पेशल एजुकेटर के लिए है। अब इसमें देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए आप PHT के लिए भर रहे हैं तो आपकी जो एजुकेशन होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एज वेल एज इन कंसर्न सब्जेक्ट फ्रॉम एनी रेगुलर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। BEd होना चाहिए और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रेगुलर यूनिवर्सिटी। बायलिंगुअल प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम फॉर PHT कंप्यूटर साइंस BEd और इक्विवेलेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक, इक्विवेलेंट इज नॉट। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। TST के लिए ये क्वालिफिकेशन, PRT के लिए ये क्वालिफिकेशन है। आपको 8:30 बजे पहुंचना है और ये डिटेल्स हैं, कुछ देख लेते हैं। और भी कुछ होंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। प्रेफरेंस विल बी गिविंग द एलिजिबल कैंडिडेट्स हैविंग नॉलेज ऑफ एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे कि आप सभी के पास होते ही हैं, वो चीज़ें होनी चाहिए। आपको क्या करना है, सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म ओरिजिनल अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड ऑन द गिविंग डेट। आपको उस डेट पे आपको क्या करना है, 9 तारीख को आपको ये सारी चीज़ें आपको सबमिट करनी है। एप्लीकेशन फॉर्म ये जो नीचे है देखिए मैं आपको शो करता हूँ, ये रहा इनका एप्लीकेशन फॉर्म। ये एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आप इंटरव्यू नहीं दे सकते। तो एप्लीकेशन फॉर्म ये आपको सेंटर पर जाके, यहाँ से आप, मैं इसको PDF दे दूँगा टेलीग्राम में, तो वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको फिल करके सेल्फ अटेस्टेड में साइन करके और फोटोग्राफ के साथ आप वहाँ सेंटर पे जमा कर देंगे। इस आप अपने जो भी क्वालिफिकेशन है उसका आप क्या करेंगे, एक बंच बना लेंगे, वो बंच और ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके सेंटर पे एग्ज़ाम्स के लिए जाएंगे, इंटरव्यू के लिए जाएंगे। स्क्रीनिंग में भी कंडक्ट इन केस द नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स आर एक्सेस टू द रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, नो TADA, आपको कोई TADA नहीं मिलेंगे और वो जो भी KVS के नॉर्म होंगे उसके अकॉर्डिंगली आप जो है आपको सैलरी एंड देन आपके वर्किंग आवर्स होंगे। अब सेपरेट एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड फॉर द डिफरेंट पोस्ट। आप क्या कर सकते हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि TST के अलावा PHT के लिए भी अप्लाई करें, PRT के लिए अप्लाई करें, तो आप इसमें कर सकते हैं, ये एक अच्छी बात है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इस नोटिफिकेशन के बारे में बताया। ये मैं इसको अपने डिस्क्रिप्शन में ये ऑफिशियल वेबसाइट दे दूंगा, वहां से जाके आप खुद भी इसको चेक कर सकते हैं। सो चैनल पे नए हैं तो क्या सब्सक्राइब कर दीजिए। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू सो मच।